कहना क्या चाहते हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक की बात नहीं है चंदा, मुझे मालूम है तू आग है आग। मजा ला किसी की जो तुझे छू ले? क्या मैं तुझे देखता नहीं? मैं देखता हूँ, मुझे मालूम है। जब भी तू कस्टमरों को फल देती है तो टोकरी में देती है ताकि उनका हाथ भी ना छू ले तुझे, मगर तू वो दुकान खोल के बैठी है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। Even I don't like, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्या अपनी खुशी से खोलकर बैठी हूँ? खैर छोड़ो, वो सरकार तुम्हें मेडल देने वाली थी कहकर तुम फंक्शन पे गए थे, कितने मेडल लाए? बोलो बोलो, टेल टेल। मुझे तो नहीं लगता कि डैडी आधा मेडल भी जीत कर मम्मी इसीलिए बार मुझ पे गुस्सा कर रहे थे। चुप बे, बहुत बोलने लगा है तू, अब बोल बोल बोल। वो क्या है ना चंदा, चंदा 5-6 मेडल तो मिलने वाले थे मगर बाल बाल बच गए। हर साल बस बाल बाल ही बच जाते हो। गुस्सा मत करो चंदा, वादा करता हूँ अगले साल ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 मेडल तो जरूर ले आऊंगा। खाक लेकर आओगे, जानते हो इस गली में और भी 5 पुलिस वालों के मकान है, कल पानी के नल पे उनकी उनकी बीवियाँ अपने अपने पति के मेडल हाथ में लेकर आएंगी और पटर पटर करेंगी कि मेरा पति ये जीत कर आया है, तो मेरी इज्जत कम नहीं होगी? थोड़ा शर्म का पॉइंट तो है चंदा। बस बस रहने दे चंदा बेटी, इससे बात करने से पेट नहीं भरेगा। आजकल महंगाई कितनी हो गई है मालूम है? और तेरी तनख्वाह क्या है? सब कार्ड छाड़कर 800 रुपए लेकर आते हैं दादी। 800 से कुछ होता है क्या? घर का खर्चा कितना है जानता है? हम 3-3 खाने वाले और ऊपर से ये टिंकू अलग, इसकी पढ़ाई लिखाई किताबों का खर्चा, आजकल बच्चों को पढ़ाने का कितना खर्चा होता है जानता है? जब 800 रुपए तनख्वाह थी तो इसे इतना जल्दी पैदा करने की क्या जरूरत थी? पूछो माजी, पूछो इनसे। मैंने तो शादी के पहले रात को ही कहा था इतने जल्दी बच्चा पैदा नहीं करेंगे, इनकी तरक्की हो जाए फिर देखेंगे। तो बोले पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़े, और फिर एक बच्चा पैदा करने से घर में आफत थोड़ी होगी, रौनक छाई रहेगी, और फटाक से दे दे इसको मुझे। बच्चे भगवान की देन होते हैं चंदा। अच्छा, भगवान की देन और आदमियों के हाथ में कुछ नहीं होता क्यों? माजी आप पूछे इनको, जब दूसरे बच्चे के लिए इनकार करती हो तो फौरन तांडव नाच शुरू कर देते हैं। माजी औरत मर्द को समझाए तो कैसे समझाए? जा दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दे।